करती हूँ आप सभी का एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ईडी की 9 घंटे की पूछताछ के बाद बोली वर्षा रावत। महाराष्ट्र के चर्चित मनी लॉन्ड्री मामले में शिवसेना नेता संजय रावत की पत्नी वर्षा रावत शनिवार को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्री मामले में शिवसेना सांसद संजय रावत की पत्नी वर्षा से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद वर्षा रावत ने कहा कि वे और उनके पति उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। दरअसल परिवर्तन निदेशालय से वर्षा रावत से पात्रा चौल के पुण्य विकास और संबंधित लेन देन में कथित नियम से जुड़े मनी लॉन्ड्री मामले में पूछताछ की है। केंद्रीय एजेंसी मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित पात्रा चौल के पुण्य विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के कथित भूमि घोटाले से जुड़ी जांच कर रही है। एजेंसी ने इसी मामले में संजय रावत को गिरफ्तार किया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया में। धन्यवाद।